हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर्थ मेथड फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तीन मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और अगर इक्वेशन हमें लीनियर फॉर्म में गिवन हो तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमें इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल टाइप फॉर्म में गिवन हो तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे और ऐसी कौन सी इक्वेशंस होती हैं जिनको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं तो क्वेश्चन है हमारा इफ़ वाई ऑफ एक्स सेटिसफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन विद वाई ऑफ़ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो देन लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी वाई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी ये कह रहे हैं कि वाई ऑफ एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिसफाई कर रहे हैं मतलब वाई ऑफ एक्स इसका क्या है सोल्यूशन है और सोल्यूशन की वैल्यू हमें बतानी है एट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी पे तो इस इक्वेशन को आप देखो तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है उसको सोल्व करने के चार मेथड हम पढ़ते हैं तो तीन हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो उनमें से अगर आप देखो तो इक्वेशन जो है हमारी वो यहाँ पे y दिख रहा है और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव दिख रहा है तो इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म की है लीनियर फॉर्म की है तो लीनियर फॉर्म की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम जो डेरिवेटिव गिवन होता है उसके कोफिशेंट को क्या बनाते हैं वन बनाते हैं तो यहाँ पे वन ही हमें गिवन है उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा होता है कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा होता है ई रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो पी ऑफ एक्स क्या होता है जो वाई को छोड़ के जो भी टर्म हमारी होगी वो क्या होगा पी ऑफ एक्स होगा तो ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमारी आती है ई रेज टू पावर टू एक्स देन सोल्यूशन क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू मे इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका क्या होगा इंटीग्रेशन होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो वैल्यू हमें क्या मिलती है वाई इंटू में ई रेज टू पावर टू एक्स अगर अलग अलग हम करें इन टर्म्स को तो टू इंटू में ई रेज टू पावर टू एक्स इसका इंटीग्रेशन प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ से ये यह इंटीग्रेशन अगर हम सोल्व करते हैं तो वैल्यू हमें मिलती है ई रेज टू पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई टू होगा तो ये टू कैंसिल हो जाएगा वाई इंटू में ई रेज टू पावर टू एक्स तो है ही प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स में डी एक्स तो इस इंटीग्रेशन को हम देखें क्योंकि वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है टेंड्स टू इन्फिनीटी पे तो टेंड्स टू इन्फिटी के लिए जो हमारा ये इंटीग्रेशन रहता है माइनस इन्फिटी टू इन्फिनीटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू डी एक्स क्योंकि ये जो फंक्शन हमें दिख रहा है वो किस टाइप का दिख रहा है गशियन फंक्शन दिख रहा है और गशियन फंक्शन अगर हम इंटीग्रेट करें पूरे के पूरे स्पेस में तो वो क्या वैल्यू हमें देता है एरिया अंडर द कर्व देता है और एरिया अंडर द कर्व जो वैल्यू होती है हमारी वो क्या होती है गशियन फंक्शन के केस में फाइनाइट वैल्यू होती है तो अगर एक्सटेंस टू इन्फिनेटी हम रखते हैं तो ये जो इंटीग्रेशन है वो हमें फाइनाइट वैल्यू देता है तो अगर पूरी इक्वेशन को हम ई रेज टू पावर टू एक्स से डिवाइड कर दें क्योंकि वैल्यू हमें किसकी निकालनी है वाई ऑफ एक्स की तो वाई इज इक्वल टू वन प्लस ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू डी एक्स तो ये वैल्यू हमें क्या दे रहा है फाइनाइट वैल्यू दे रहा है एट एक्सटेंस टू इन्फिनेटी पे और अगर यहाँ पे हम एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रख रहे हैं तो e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी वो हमें क्या देगा जीरो तो ज़ीरो इंटू में कोई फाइनाइट वैल्यू है तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा इस टर्म से ज़ीरो मिलेगा प्लस क्या है वन तो y ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे वन आ जाएगी तो जो बी ऑप्शन होगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो फोर्थ मेथड है हमारा कि अगर हमें इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म की गिवन हो तो उस केस में हम कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन समझ आनी चाहिए कि जो इक्वेशन हमें गिवन है वो किस फॉर्म की इक्वेशन है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म के लिए क्या फॉर्म होनी चाहिए एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो अगर m कोई फंक्शन है एक्स वाई का इंटू डी एक्स प्लस एन कोई फंक्शन है एक्स वाई का इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है और डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x ये इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे कि वो इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट फॉर्म की है तो उस केस में जो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा एम डी एक्स इसका इंटीग्रेशन प्लस एन का वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट सी आएगा हमें यहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हो कि अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो हम इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे इंटीग्रेशन करके तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करो और इंटीग्रेशन हम करते हैं तो कोई कॉन्स्टेंट सी हमारा आता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और एम जो है वो फंक्शन है एक्स और वाई का तो y को हम क्या ट्रीट करेंगे y एज ए कॉन्स्टेंट ठीक है और यहाँ पे हम क्या करेंगे क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इस फंक्शन में सिर्फ हम वो टर्म्स कंसिडर करेंगे जो y वाली टर्म्स होंगे जिसमें x नहीं होगा अगर मान लो कोई ऐसी टर्म है एक्स स्क्र वाई तो इसमें y भी है और x भी है तो इस टर्म को हम एन में कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये x को भी कंटेन कर रही है ठीक है तो यहां पे ओनली दोज टर्म्स विच डू नॉट कंटेन एक्स अगर आप थोड़ा बेसिक जानना चाहते हो इसका तो हम क्या बोलते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है एक्स वाई में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई में हमें गिवन है तो हम क्या करते हैं अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो हम इसको लिखेंगे डेल फाइव अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाइ अपोन डेल वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो ऐसे हम लिखेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्म हमारी होगी वो इस फॉर्म की होगी तो एम क्या हो गया डेल फाई अपोन डेल एक्स एंड एन की वैल्यू क्या होगी डेल फाई अपॉन डेल वाई ठीक है तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि कंडीशन जो है हमारी डेल स्क्वायर फाइ डेल एक्स डेल वाई किसके इक्वल होता है डेल स्क्वेयर फाई डेल वाई डेल एक्स के इक्वल होता है पार्शियल डिफरेंशियल में ये सेटिस्फाई करता है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या होगा डेल एन अपॉन डेल एक्स अगर इक्वेशन हमें इस फॉर्म की गिवन है तो ये कंडीशन क्या होनी चाहिए सेटिस्फाई होनी चाहिए तो उस केस में सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमें वैल्यू किसकी निकालनी है फाइ की निकालनी है सोल्यूशन हमारा होगा फाइव ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी तो फाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन से अगर आप देखो तो फाई हमारा क्या हो जाएगा एम डी एक्स ठीक है और यहाँ से अगर आप देखो तो क्या होगा एन डी वाई और टर्म्स हमारी रिपीट ना करें उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि जो एन में टर्म्स हैं वो सिर्फ वाई की होनी चाहिए एक्स कंटेन नहीं होना चाहिए ठीक है और ये मेथड हमने पढ़ा था जब हम सी आर इक्वेशंस का यूज करके फंक्शन फाइंड आउट कर रहे थे या फिर हम बोले हार्मोनिक कन्जुकेट हम फाइंड आउट कर रहे थे या फिर हम ऐसे बोलें कि अगर यू और v में से कोई एक पार्ट हमें गिवन हो तो दूसरा हम फाइंड आउट कर रहे थे यूजिंग सी आर इक्वेशन तो उसमें भी हमने यही मेथड देखा था कि जो टर्म्स रिपीट हो रही हैं उनको हम एक बार लिखेंगे या फिर ये मेथड अगर हम यूज करें कि जो एक्स को कंटेन नहीं कर रही टर्म्स उसको हम ना कंसिडर करके चलें तो जो टर्म्स हमारी आएंगी वो क्या आएंगी अगर हमें यू गिवन है तो वो वी एक्स वाई हमारा आ जाएगा ठीक है तो ये सोल्यूशन हो जाएगा और यहाँ पे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो y को क्या मानेंगे एज ए कॉन्स्टेंट तो आप ज़्यादा ना सोचते हुए बस इतना ध्यान रखो कि अगर इक्वेशन हमें इस फॉर्म में गिवन है और ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी और यहाँ पे y को हम कॉन्स्टेंट लेंगे और यहाँ पे एन वाई हमने लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एन में सिर्फ और सिर्फ वाई की टर्म्स होनी चाहिए तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे ये इक्वेशन हमें गिवन है और इसका सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो यहाँ पे m जो है फंक्शन है एक्स वाई का इंटू डी एक्स प्लस एन फंक्शन है एक्स वाई का इंटू डी इज इक्वल टू ज़ीरो इस फॉर्म के हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट फॉर्म की है कि नहीं तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि डेल एम अपोन डेल वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए डेल एन अपोन डेल एक्स होना चाहिए तो अगर इसका हम वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई और इसका हम अगर x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो थ्री एक्स स्क्वायर आएगा तो थ्री से थ्री कैंसिल होगा एक्स स्क्वायर और x के रेस्पेक्ट में यहाँ से क्या आएगा प्लस टू एक्स वाई और इस टर्म का क्या हो जाएगा जीरो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो इस इक्वेशन का डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे अब सोल्यूशन और सोल्यूशन क्या होगा एम डी एक्स जो ये टर्म हमारी है एक्स स्क्वायेर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एन डी वाई और एन में क्या होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ वाई की टर्म्स होनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ y की टर्म हमें ये सिर्फ गिवन है क्योंकि इसके साथ तो x प्रेजेंट है तो ये भी हम नहीं कंसिडर करेंगे और ये तो x की ही टर्म है तो सिर्फ क्या आ जाएगा साइन वाई dy डी वाई इज इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट सी होगा तो यहाँ से इंटीग्रेशन आप करो x के रेस्पेक्ट में तो वो क्या आएगा एक्स स्क्र का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री और y क्या है कॉन्स्टेंट प्लस x का क्या होगा एक्स स्क्र बाई टू और y हमारा क्या रहेगा कॉन्स्टेंट प्लस साइन वाई का क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस कोस वाई होगा c. तो ये क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन का सोल्यूशन तो अब हम देखते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म की ऐसी कौन सी इक्वेशन होती है जिनको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में रिड्यूस्ड कर सकते हैं और कैसे हम रिड्यूस्ड करते हैं उसके लिए कुछ मेथड्स हम देखते हैं तो इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इक्वेशन हमारी किस फॉर्म की गिवन होगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो जहाँ पर जो एम और एन हैं वो किसके फंक्शन होंगे एक्स वाई के फंक्शन होंगे ठीक है इस फॉर्म की इक्वेशन हमें गिवन होगी लेकिन जो इक्वेशन हमें गिवन होगी वो नोट एग्जैक्ट होगी क्योंकि उसकी जो कंडीशन रहती है डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स वो नॉट इक्वल होगी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ठीक है तो उस इक्वेशन को हम किस में रिड्यूस कर सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में और कैसे हम रिड्यूस करेंगे उसके लिए मेथड हमारे क्या रहते हैं कि सबसे पहले तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हम पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो इक्वेशन हमारी आती है रिजल्टेंट इक्वेशन जो हमारी आती है वो किस फॉर्म की आती है एग्जैक्ट फॉर्म की आती है और एग्जैक्ट फॉर्म के लिए सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देखा ही है अभी तो मेन काम हमारा क्या रह गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग मेथड्स हमारे क्या हैं फर्स्ट मेथड ये है कि अगर हम निकालें डेल एम अपोन डेल वाई माइनस डेल एन अपोन डेल एक्स और अगर इसको हम डिवाइड करते हैं एन से तो अगर हमें फंक्शन मिलता है एक्स का ये वैल्यू निकालने पे अगर हमें फंक्शन ऑफ एक्स मिलता है तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्योंकि एक्स का ही फंक्शन मिल रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन के साथ और इक्वेशन रिड्यूस्ड हो गई डिफरेंशियल फॉर्म में देन उसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर लेंगे सेकेंड मेथड हमारा क्या है कि डेल एन अपोन डेल एक्स माइनस डेल एम अपोन डेल वाई और अगर उसको हम डिवाइड करते हैं m से तो हमें क्या मिलना चाहिए फंक्शन ऑफ y मिलना चाहिए अगर ऐसा हमें मिलता है तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा e रेज टू पावर f ऑफ y और इसका इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ऐसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे तो इन पे बेस्ड एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं तो ये एक इक्वेशन हमें गिवन है और इसका सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन को आप देखो तो m फंक्शन है एक्स वाई का इंटू डी एक्स प्लस एन फंक्शन है एक्स वाई का इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो तो एग्जैक्ट फॉर्म की हमें दिख रही है तो हम चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट है या नहीं तो डेल एम अपोन डेल वाई इस इक्वल टू क्या होना चाहिए डेल एन अपॉन डेल एक्स तो ये हम चेक करते हैं एक बार अगर एम का हम डेरिवेटिव करें वाई के रेस्पेक्ट में तो वो क्या वैल्यू हमें दे रहा है वन और वो किसके इक्वल होना चाहिए एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम करें तो यहाँ से क्या आएगा माइनस वन माइनस एक्स स्क्वेयर होगा तो क्या आएगा माइनस वाइनस प्लस टू वाई टू एक्स वाई ये तो ये नोट इक्वल टू है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है वो नोट एग्जैक्ट फॉर्म की है तो नोट एग्जैक्ट फॉर्म की इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए फर्स्ट मेथड हमने देखा क्या डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स और अगर इसको हम डिवाइड करें एन से तो वो किसका फंक्शन होना चाहिए एफ ओफ एक्स का तो इन दोनों में से हम कौन सा यूज करेंगे ये कैसे पता चलेगा आप यहाँ से प्लस माइनस करके देखो इस इन दोनों टर्म्स को और आप ये देखो कि कौन से से डिवाइड करने पे कैंसिल आउट हो रहा है और जो वैल्यू है वो एक्स का फंक्शन बच रही है या वाई का चेक करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं तो अगर हम देखें तो वन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन माइनस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई क्या करेंगे एन तो एन क्या है हमारा माइनस ऑफ एक्स वन माइनस एक्स वाई ठीक है तो हमें क्या मिल रहा है टू अगर हम कॉमन लें तो वन माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स वाई तो ये टर्म कैंसिल हो गए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल रही है माइनस ऑफ टू अपॉन एक्स तो सिर्फ फंक्शन किसका है एक्स का है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स क्या माइनस टू हम कॉमन ले लेते हैं वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स तो क्या होगा ई रेज टू पावर माइनस टू एल एन एक्स और अगर माइनस टू को हम पावर में लेके जाए तो क्या वैल्यू हमें मिल रही है वन अपोन एक्स स्क्वेयर तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हम इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में तो यहाँ से इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी वन अपॉन एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करने पे वाई अपोन एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वन माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो तो अब इस इक्वेशन को अगर आप चेक करो तो डेल एम अपोन डेल वाई किसके इक्वल आएगा डेल एन अपोन डेल एक्स तो जो इक्वेशन है हमारी वो किस में कन्वर्ट होगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा इस इक्वेशन का एम डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस एन ऑफ वाई डी वाई इसका इंटीग्रेशन और इक्वल होगा किसी कॉन्स्टेंट सी के तो यहाँ पे वाई को हमने क्या कंसिडर करना है एज ए कॉन्स्टेंट तो एम टी एक्स क्या होगा वाई अपॉन एक्स स्क्र माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन प्लस एन ऑफ वाई सिर्फ जो वाई का फंक्शन हो ठीक है तो अगर एक्स को हम इन साइड लेके जाएं तो एक्स से x कैंसिल होगा और माइनस माइनस क्या होगा प्लस तो यहाँ पे क्या आएगा y इंटू डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें y को हमने क्या कंसिडर किया है एज ए कॉन्स्टेंट तो वन अपॉन एक्स स्क्वेयर का क्या होगा माइनस ओ वन अपॉन एक्स माइनस टू और x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्र बाई टू टू से टू कैंसिल प्लस वाई का क्या होगा वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी तो सोल्यूशन हमें क्या मिलता है माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल टू सी ये क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा तो so सेम इसी तरीके से आप सेकेंड मेथड के लिए भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो कि अगर हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही नोट एग्जैक्ट फॉर्म की अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की इवन है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या देखते हैं अगर ये वाला हमारा फंक्शन ऑफ एक्स नहीं मिलता है तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये वाली टर्म है वो फंक्शन ऑफ वाई हमें दे रही है अगर दे रही है तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम क्या करेंगे इक्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो इक्वेशन हमारी होगी वो एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और उसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे तो तीसरा मेथड है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का जो इक्वेशन है हमारी वो इस फॉर्म में गिवन होगी और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो उस केस में हम क्या करेंगे अगर हम एम को देखें एम और एन हमारे क्या हैं एक्स वाई के फंक्शन हैं, और अगर एक्स वाई के फंक्शन में से वाई हम कॉमन ले पाते हैं और हमें क्या मिलता है एक्स वाई का फंक्शन बचता है और एन में से अगर हम एक्स कॉमन ले पाते हैं और बचता क्या है एक्स वाई का कोई फंक्शन बचता है तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की पूरी इक्वेशन के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी एग्जैक्ट में तो फिर हम उसको सोल्व कर सकते हैं तो एक एग्जाम्पल अगर हम देखें थर्ड मेथड पे बेस वो क्या होगा y इंटू में वन प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो ये हमें गिवन है तो m को अगर आप देखो तो इसमें y हमारा क्या है बाहर है और फिर फंक्शन है एक्स वाई का और n को अगर हम देखें तो x बाहर है और फंक्शन क्या है एक्स वाई का तो तीसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो इक्वेशन हमें गिवन है वो एग्जैक्ट फॉर्म की है कि नहीं तो डेल m अपोन डेल x डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स ये हम चेक करते हैं तो अगर वाई के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करें तो क्या आ जाएगा वन प्लस टू एक्स वाई और एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो वो क्या आएगा वन माइनस टू एक्स वाई तो वो नॉट इक्वल है तो जो इक्वेशन है हमारी वो किस फॉर्म की है नॉट एग्जैक्ट फॉर्म की है और नोट एग्जैक्ट फॉर्म में हम क्या देखते हैं कि अगर हम इनको ऐड करके किसी एक टर्म से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलना चाहिए या तो फंक्शन ऑफ़ एक्स मिलना चाहिए या फंक्शन ऑफ वाई मिलना चाहिए तो वो मेथड भी हम यूज़ नहीं कर सकते बल, आ, बल्कि हम इसको अगर देखते हैं तो इसमें से वाई कॉमन हमें दिख रहा है और इसमें से एक्स दिख रहा है तो हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे थर्ड रूल यूज़ करेंगे तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा वन अपॉन एम एक्स तो वाई एक्स इंटू वन प्लस एक्स वाई माइनस एन वाई क्या होगा एक्स वाई इंटू वन माइनस एक्स वाई तो यहाँ से वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तो क्या होगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वेयर तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमें मिलती है वन अपॉन टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेर अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को तो क्या वैल्यू हमें मिलती है वन अपॉन टू एक्स स्क्वेयर वाई क्योंकि एक वाई कैंसिल हो जाएगा इंटू वन प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स वाई स्क्वेयर क्योंकि एक एक्स कैंसिल होगा इंटू वन माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई वो किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल तो इस इक्वेशन को अगर आप चेक करो तो ये इक्वेशन हमें किस फॉर्म की मिलेगी एग्जैक्ट फॉर्म की मिलेगी तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे वन अपॉन टू एक्स स्क्वेयर वाई एम डी एक्स होगा सोल्यूशन अगर हम फाइंड आउट करें तो एम डी एक्स होगा प्लस वन अपॉन टू एक्स इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन और हम क्या कंसिडर करते हैं वाई एज ए कॉन्स्टेंट प्लस एन ऑफ वाई तो एन ऑफ वाई की अगर हम बात करें सिर्फ वाई की टर्म्स हमारी किस में मिलेंगी इस इक्वेश फर्स्ट टर्म को अगर आप देखो तो उसमें एक्स आ रहा है हमारा सेकेंड टर्म को आप देखो तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा सिर्फ वाई वाली टर्म बच रही है तो माइनस आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू वाई डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी ये सोल्यूशन होगा तो एक्स के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो क्या आएगा वन अपॉन वाई तो कॉन्स्टेंट होगा टू वाई कॉन्स्टेंट होगा और वन अपॉन एक्स स्क्वेयर का क्या होता है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन टू वन अपॉन टू तो कॉन्स्टेंट हुआ और वन अपॉन एक्स का क्या होगा एल एन एक्स माइनस वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट और एल एन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी तो यहाँ से अगर वन ऑफ माइनस वन अपॉन टू से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो क्या वैल्यू हमें मिलती है वन अपॉन वाई एक्स प्लस एल एन एक्स यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि माइनस वन बाई टू से हम डिवाइड कर रहे हैं प्लस एल एन वाई इज इक्वल टू सी तो वन अपोन वाई एक्स प्लस एल एन ए माइनस एल एन बी कैसे हम लिखेंगे एल एन ए वाई बी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी तो यहाँ पर कोई दूसरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा सी डेस तो ये जो इक्वेशन हमारी आएगी वो इस इक्वेशन का क्या होगा सोल्यूशन होगा तो फोर्थ मेथड है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का जनरली तो बहुत सारी इक्वेशन हमारी ऐसी रहती हैं कि जो पहले तीन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के मैथड हमने देखे उनसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन अगर इक्वेशन हमें इस फॉर्म में गिवन हो जो एम डी एक्स प्लस एनडी वाई इज इक्वल टू जीरो है वो अगर हमें होमोजीनियस फॉर्म की इक्वेशन गिवन हो तो होमोजीनियस फॉर्म की इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा और इससे हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में और उसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं होमोजीनियस फॉर्म की अगर हम बात करें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो जो m और n है हमारे वो फंक्शन है x y के तो उसमें हर एक टर्म जो है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए तो अगर ऐसी इक्वेशन आपको दिखती है तो उसको हम होमोजीनियस वाले मेथड से सोल्व करेंगे तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करें फिर हम उसकी मल्टीप्लाई करें एग्जैक्ट में कन्वर्ट करें और सोल्यूशन फाइंड आउट करें तो डायरेक्टली अगर आपको होमोजीनियस फॉर्म की इक्वेशन दिख जाती है तो सेकेंड वाला मेथड ही आप यूज करो तो बेटर रहेगा इस पर भी वैसे एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं तो ये एक इक्वेशन हमें गिवन है और इसका सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन को हम देखते हैं तो हमें क्या दिख रही है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन दिख रही है वेरिएबल हम सेपरेट कर नहीं सकते तो होमोजेनियस की अगर हम बात करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम देखते हैं और वो किसके इक्वल आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स वाई स्क्वेयर तो यहाँ पे जो एफ़ वन एक्स वाई और एफ़ टू एक्स वाई है उसकी हर एक टर्म की डिग्री क्या है सेम तो इक्वेशन हमारी किस फॉर्म की है होमोजीनियस फॉर्म की है तो सेकेंड मेथड का यूज करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं दूसरा क्या है कि इक्वेशन डायरेक्टली हमें किस फॉर्म की दिख रही है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब ये एग्जैक्ट फॉर्म की हो सकती है तो उस मेथड से अगर हम इसको सोल्व करें तो हम क्या चेक करते हैं डेल एम अपोन डेल वाई इज इक्वल टू किस होना चाहिए डेल एन अपॉन डेल एक्स के तो अगर फाइंड आउट हम करें तो क्या आएगा थ्री वाई स्क्वायर और वो किसके इक्वल होना चाहिए माइनस वाई स्क्वायर तो नोट इक्वलर है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है वो नोट एक्जैक्ट फॉर्म की है और उसको एक्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए जो M और N है वो हमें किस फॉर्म में दिख रहे हैं ओमोजीनियस फॉर्म में दिख रहे हैं तो फोर्थ मेथड हम यूज करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का वो क्या हो जाएगा एम एक्स एक्स की पावर फोर प्लस एक्स वाई रेज टू पावर थ्री माइनस प्लस एन वाई है लेकिन एन की वैल्यू क्या है माइनस एक्स वाई स्क्वायर और वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब तो ये टर्म से ये कैंसिल हुई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर इंटीग्रेटिंग so फैक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन के साथ तो वन अपॉन एक्स प्लस वाई रेज टू पावर थ्री एक्स रेज टू पावर फोर इंटू डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर थ्री इन टू डी वाई इज इक्वल टू जीरो और इस इक्वेशन को अगर हम चेक करें तो ये किस फॉर्म की हमें मिलती है एग्जैक्ट फॉर्म की मिलती है तो इसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट करें तो वो क्या हो जाएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई और वाई में एन में क्या होनी चाहिए सिर्फ वाई के टर्म्स होनी चाहिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो क्योंकि सिर्फ y की टर्म्स है नहीं n में तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln एन एक्स इज इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट क्या होगा c तो ln एन एक्स प्लस वाई क्यूब एज इट इज और वन अपॉन एक्स की पावर फोर का क्या होगा एक्स की पावर थ्री और माइनस थ्री आ गया आएगा ठीक है इज इक्वल टू सी तो ये क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा तो पांचवा मेथड है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का कि अगर इक्वेशन हमें इस फॉर्म में गिवन है x टू टू पावर पावर m y raise to power n बी एक्स डी वाई प्लस एक्स डेस एक्स रेज टू पावर एम डैस वाई रेज टू पावर एन डैस ए डैस वाई डी एक्स प्लस बी डैस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन हमें गिवन है जहाँ पे जी जो ये एम एन ए बी एम डैस एन डैस ए डैस बी डैस वो जीरो के इक्वल भी हो सकते हैं तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा x रेज टू पावर h और y रेज इन टू वाई रेज टू पावर के तो h और k कैसे हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं m प्लस एच प्लस वन डिवाइड बाई ए इज़ इक्वल टू एन प्लस के प्लस वन डिवाइडेड बाई बी एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी एच के में दूसरी इक्वेशन क्या होगी एम डैस प्लस एच प्लस वन डिवाइडेड बाई ए डैस वो किसके इक्वल होगा एन डैस प्लस के प्लस वन डिवाइडेड बाई बी डैस तो ये जो दो इक्वेशन होंगी एच और के में क्योंकि जो एम ए एन बी और एम डैस ए डैस एन डैस बी डैस इनकी वैल्यू तो हमें पता होगी इक्वेशन से तो H और K की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आएगी उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन के साथ तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में देन हम उसका सोल्व कर सकते तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये एक इक्वेशन हमें गिवन है और इसका सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन को आप देखो तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन हमें दिख रही है तो वेरिएबल इसके सेपरेट हम कर नहीं सकते और होमोजेनियस फॉर्म की अगर हम बात करें तो हर एक टर्म की डिग्री या है सेम है तो होमोजेनियस वाले मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं तो आप ये ध्यान रखो कि बजाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करें एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म के दिखे हम ट्राई करेंगे कि जो हमारे अदर मेथड हैं उनसे डायरेक्टली सोल्व करने का तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फिफ्थ मेथड की हम बात करते हैं तो इस फॉर्म में हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी एम और एन ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आती है एक्स वाई तो जो सोल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का वो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर फोर डिवाइडेड बाई टू माइनस टू एक्स रेस टू पावर फोर वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू सी ये इस इक्वेशन का क्या आएगा सोल्यूशन आएगा तो क्वेश्चन सोल्व करने का एक इजी मेथड मैं आपको बता देती हूँ अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन हो और आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो सॉल्यूशंस आपको ऑप्शन में मिलेंगे और हमें पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो डायरेक्ट ऑप्शन आप पिक करो जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और अगर क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया है अगर आपको दिख रही है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म की इक्वेशन है और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसी भी इक्वेशन का वही होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में जिससे अगर हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाए एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो आप ऑप्शन से ये चेक करो कि किस ऑप्शन की अगर हम इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें जिससे ये जो कंडीशन है हमारी डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स वो क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है वही क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का और अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पूछा गया है लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म में तो वो हमने पढ़ लिया है वो क्या होता है ई रेज टू पावर पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं तो मेथड से आप आप देख सकते हो सारे हमने कर ही लिए हैं लेकिन डायरेक्टली अगर आपका क्वेश्चन हो रहा है तो आप ट्राई करो ऑप्शन से ही करने का तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है तो ये एक क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए आप इसको सोल्व करें आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में